प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं रिटायर्ड फार्मेसी ऑफिसर सिविल हॉस्पिटल फाजिलका से, और मैं योगाचार्य भी हूँ। सुबह सुबह योगा कराता हूँ फाजिलका में पार्क में, अपनी तरफ से मैट प्रोवाइड करता हूँ, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट सुबह सुबह। क्या बात, ये तो खुद भी करते औरों को भी कराते। हाँ जी। उम्र कितनी होगी तुम्हारी? उम्र 62 जी। बड़े मस्त हो। ये मेरी वाइफ भी, ये भी गवर्नमेंट जॉब करती थी, ये भी रिटायर हुए। इनको 12 साल से लीवर सिरोसिस जी, तो इसी से बचाया हो इनको जी। लोम विलोम और कपाल भाती और सर्वकल्प भी पिलाते हैं। हाँ जी, वो भी पिलाते हैं, लिवोग्रिट देते हैं, लिवो अमृत देते हैं, उसी से ये बच गई है जी। सारे हैरान, डॉक्टर सभी हैरान हो रहे, ये इतनी साल कैसे जी गई। जिसके पास भी एंडोस्कोपी साल बाद कराने जाते हो, कहते अभी तक जीवित कैसे है डॉक्टर, वो मानते ही नहीं। फोन पर बात लीवर सिरोसिस बहुत, इसको देना माइक। हाँ जी, लीवर सिरोसिस में क्या हालत थी तेरी बहन? हाँ जी, अब ठीक है। मेरे को 12 साल पहले लिवर सिरोसिस, 2009 में हेपेटाइटिस सी हुआ था। ओए, हाँ जी, तो वो ओ नीडल लग, हाँ जी हाँ जी, ओ तो फिर इंजेक्शन लगे 6 महीने, तो उसके बाद लिवर सिरोसिस हो गया, तो टेस्ट कराया तो फिर पॉजिटिव आ गया, तो उसके बाद 3 महीने फिर मैंने टेबलेट खाई, तो अब नेगेटिव तो नहीं है, पर अब नेगेटिव आ जाएगा, वायरल लोड नेगेटिव है, वायरल लोड नेगेटिव रहेगा, और ये हेपेटाइटिस सी भी नेगेटिव हो जाएगा। गोधन अर्क पीना, हाँ जी, उसके साथ लिवोग्रिट लेना। हाँ, तो 1 से 2 महीने में नेगेटिव आ जाएगा हेपेटाइटिस भी। और ये भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई, इसका फ्रेश जूस पीना, ये 3 चीजें ना यहाँ से सीख लेना। दो पेशेंट मैं और लाया हूँ, मेरी साली मेरे संडू को। इनको भी ना, इनको ब्लॉकेज हो गया जी 80 से 90% तक, तो इनको यहाँ लाया हूँ योग्राम से। मैं क्या ठीक हो जाएगा, इनकी शुगर मैंने ठीक की है मधुग्रिट से, बिल्कुल नॉर्मल आ गई है जी मधुग्रिट। और 3 महीने लौकी का जूस पिया इन्होंने, बताएंगे स्वामी जी, इन्होंने 3 महीने से लौकी का जूस पिया और इनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो गया, और इनको हार्ट की ब्लॉकेज है, हार्ट के ब्लॉकेज 90% ब्लॉकेज है। पीजीआई वालों ने इनको बोला अभी स्टेंट डलवाओ, तो हमने कहा नहीं, हमने स्टेंट नहीं डलवाना, हम स्वामी जी जाके पास ठीक हो जाएंगे। 2 महीना बस थोड़ा परहेज करना, हृदयामृत, कार्डियोग्रिट और खाना पीना जैसे यहाँ बता रहे हैं। सब सुन लो, जिनको ये हार्ट की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, लीवर किडनी फेलियर है, उनको बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस है, टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं, उनको 2 महीने थोड़ा परहेज करना है। 2 महीने में सारी डिजीज तुम्हारी रिवर्स होंगी, एकदम पक्की बात बता रहे। अब इनको पहले बिल्कुल सांस चढ़ता था जब यहाँ आने से पहले, अब यहाँ पे ये पूरे 5 दिन से इनको कोई दिक्कत नहीं है, सुबह 3 बजे उठ के जा रहे हैं, योग कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ये तो पहले बिल्कुल हार्ट की डिजीज में बड़ा डरा देते, और देखो याद कर लो जैसे भाई साहब बता रहे थे ना, 3-5 साल बाद फिर वही एंजियोप्लास्टी, फिर वही बाईपास, क्यों लुटते पिटते हो? जब फिर वापस बाईपास, फिर वही एंजियोप्लास्टी, फिर वही पेसमेकर, तो इस चक्रव्यूह को तोड़ दो भाई, थोड़ा 2 महीना हिम्मत कर लो। ये स्टंट डलवाने लगे थे जी, वहां से पीजीआई में दाखिल थे, मैंने वहां पर फोन, डॉक्टर सबसे सलाह ले रहे थे, सबने बोला स्टंट डलवा लो, स्टंट डलवा लो, मैंने रोका, मैंने बोला बिल्कुल नहीं डलवाना, आपको इधर लेकर जाएंगे, पतंजलि में ठीक हो जाएंगे।